सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग यार फिर से खेल रहे हैं GTA 5 माइकल के साथ। तो यार जैसे कि लास्ट एपिसोड में यार आप सभी लोगों ने देखा होगा कि यार देखो एलियंस ने ना लॉस सैंटोस में हमला कर दिया था। और गाइस यार उन लोगों ने लॉस सैंटोस में तो खैर मैं नहीं बोल सकता, उन लोगों ने मिलिट्री बेस के अंदर हमला किया था। अब देखो उन लोगों ने मिलिट्री बेस के अंदर ये सोचकर हमला किया कि उनके जो दो एलियंस है ना, जो कि यार मिलिट्री वालों ने काफ़ी टाइम पहले सर Area 51 के अंदर उन लोगों ने कैद कर रखे हैं, तो उन लोगों ने ये सोचकर हमला किया था कि वो दोनों एलियंस मिलिट्री बेस के अंदर होंगे। क्योंकि भाई एलियंस को तो नहीं पता कि मिलिट्री बेस क्या है और Area 51 क्या है, मतलब दोनों अलग अलग जगह हैं। उन लोग को तो बस यही पता नहीं कि भाई मिलिट्री वालों ने उनके दो एलियंस को कैद कर रखा है। तो इसलिए उन लोग ने देखो मिलिट्री बेस के अंदर हमला किया और उनको ये लग रहा था कि भाई मिलिट्री बेस में उनको उनके दो एलियंस मिल जाएंगे। बट देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उन लोग ने जब देखो मिलिट्री बेस के अंदर हमला किया ना, तो माइकल भी वहां पर पहुंच गया था और माइकल ने उनके काफी सारे एलियंस को मार दिया था। तो जब माइकल ने इतने सारे एलियंस को मार दिया और वो लोग आप लोग को पता है गायब हो जा रहे थे बार बार, तो उसके बाद यार उन लोगों ने देखो लड़ाई को तो शांत कर दिया। बट उसके बाद उनका जो UFO था ना, वो पूरे लॉस सैंटोस का भाई चक्कर लगाने में था। मतलब वो लोग अगर अपने उन दो एलियंस को ढूंढने में थे पूरे लॉस सैंटोस में, तो शायद अगर उन लोगों ने उन एलियंस को ढूंढ भी लिया होगा, तो मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि Area 51 के अभी वो दो एलियंस बचे हैं कि नहीं है भाई कोई पता नहीं ना उन लोग को। आप लोग को पता है वो एकदम से टेलीपोर्ट हो जा रहे थे कहीं पर भी, मतलब अचानक से गायब हो जा रहे थे, तो कोई पता भी नहीं। बोलो Area 51 का डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर उन दोनों एलियंस को छुड़वा कर लेकर चले गए हो, तो मेरे को नहीं पता भाई क्या हुआ होगा सीन। तो अभी हमें यार देखो सबसे पहले तो मिलिट्री बेस कह रहा हूँ Area 51 के अंदर जाना है पहले हम लोग को, और उन दोनों एलियंस को यार देख कर आना है। क्योंकि वहाँ के जो भाई मिलिट्री वाले हैं ना, वो लोग आप लोग को पता ही भाई कैसे हैं, पता नहीं नशा वशा कर पड़े रहते हैं। मेरे को भी कोई समझ में नहीं आता कि वो वहाँ के मिलिट्री वाले कैसे हैं। तो भाई देखो, और ये वाली जो आप लोग ड्रेस देख रहे हो ना, इस ड्रेस के देखो ये ड्रेस तो हम लोग को मिल गई थी, और इसके ऊपर की साइड जो आप लोग ये जैकेट जिसे देख रहे हो लगी, ये भी यार हम लोग को मिलिट्री वालों ने ही दी है। इसमें यार देखो थोड़े बहुत कुछ और वेपन्स या बुलेट वुलेट भी रखी हुई हैं, और ये एक एक्स्ट्रा इसमें जैकेट है, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट हम लोग ने एक और पहन रखी खतरनाक वाली। तो अभी हम लोग को तो देखो सीधा पहले तो सीमन के शोरूम पर जाना है, क्योंकि मैंने आपसे देखो लास्ट एपिसोड में पूछा था ना कि मेरे को निंजा की बाइक परचेस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अब मैं सर काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि भाई बाइक को परचेस कर लो, क्योंकि भाई माइकल के पास अभी फिलहाल एक भी बाइक नहीं है। और कहीं से मैं आप लोग बताऊँ, यहाँ पर देखो भाई हमारा पूरा गराज अभी खाली है, क्योंकि हमारे जो टायर जो है ना उसमें थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आ गई थी, मतलब कहीं पर ठुक गई थी, तो वो यार देखो अभी हम लोग ने रिपेयर के लिए दे रखी है। तो अभी फिलहाल के लिए वो दो चार दिन बाद हमें मिलेगी, और अभी फिलहाल उसकी कभी ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी फिलहाल तो देखो पहले तो सीमन के शोरूम पर जाने, तो भाई अपन लोग अपनी नॉर्मल कार में ही चलते हैं जो फैमिली कार है। तो भाई इसका रेडियो बंद करते हैं यार, ठीक है। रेडियो सुन के बड़ा दिमाग खराब होता है भाई माइकल को। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि वो जो एलियंस है वो अभी भी देखो लॉस सैंटोस में ही, उनका जो UFO है ना वो अभी भी शायद कहीं ना कहीं उड़ रहा होगा। मतलब वो लोग छुप के रह रहे हैं भाई लॉस सैंटोस में, देख रहे हो, मतलब एकदम छुप के रह रहे हैं भाई वो लोग। तो अभी तो भाई अपन लोग को सबसे पहले तो सीमन के शोरूम पर जाना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे भाई मिलिट्री बेस के अंदर। तो पहले तो चलते हैं भाई सीमन के शोरूम पे और चलकर देखते हैं भाई वहाँ पे क्या सीन है। और कहीं सर मैं आप लोग को बताऊँ ना कि जो मिलिट्री वाले ना, वो लोग यार हमको एक बुलेट प्रूफ कार भी दे रहे हैं गिफ्ट में, देख रहे हो, मतलब गिफ्ट में दे रहे हैं भाई बुलेट प्रूफ कार। क्योंकि देखो भाई उन लोग को भी पता है भाई माइकल ही उन लोग को बचाने वाला है, मतलब मिलिट्री वालों को, क्योंकि भाई मिलिट्री वाले तो कुछ तो होना नहीं उनसे, ठीक है। वो लोग तो आप लोग को पता है भाई लास्ट एपिसोड में, अगर आप लोग ने देखा हो तो, नहीं देखा तो जाकर देख लेना, आप लोग को चैनल पर मिल जाएगा। तो उसमें मिलिट्री वाले काफ़ी ज़्यादा मरने में थे बार बार, मतलब मिलिट्री वालों के हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या भाई एलियंस लोग उड़ा दे रहे थे। बट माइकल का ना वो लोग एक बाल भी बाका नहीं कर पाए, इसीलिए यार वो लोग देखो माइकल को एक बुलेट प्रूफ कार गिफ्ट कर रहे हैं। और वैसे माइकल ने उनसे बोला था कि मेरे को यार एक बुलेट प्रूफ कार परचेस करनी है, माइकल ने तो भाई उनसे खरीदने की बात करी थी, बट वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम तुमको गिफ्ट करते हैं भाई, खुश रहो बस तुम। और कहते हैं जो टाइम मशीन है ना, टाइम मशीन भी अभी फिलहाल हमारे पास ही रखी हुई, हमने अभी भी उनको वापस नहीं करी है, तो अभी तो फिलहाल वो हमसे मांग भी नहीं सकते भाई। मांगेंगे तो भाई किस मुँह से मांगेंगे, अगर माइकल ने मना कर दिया देने के लिए तो वो लोग क्या कर लेंगे, कि भाई माइकल ही उनकी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा है, मतलब पूरे मतलब समझो पूरे लॉस सैंटोस को बचा रहा है यार माइकल। अब भाई इतनी सी चीज़ तो वो लोग कर ही सकते हैं ना यार। तो सीमन का शोरूम तो बस आ चुका है, तो भाई अपन लोग अपनी कार को तो पहले तो यहाँ, अरे 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 भाई भाई अरे भाई अरे देख रहे हो भाई इस बंदे को, देख रहे हो भाई, अरे यार स्क्रैच लगा दिया इन्हें अपनी कार में, चलो कोई दिक्कत नहीं यार। तो अपन लोग भाई अपनी कार को तो चलते यहाँ पर पार्क कर देते हैं यार, उसके बाद हम लोग चलते हैं भाई बाइक को लेकर ही चलेंगे अपन लोग, कार तो ये चलो सीमन अपने घर पर ड्रॉप करवा देगा। ओके तो भाई अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और इस तरफ से अपन लोग चलते हैं और भाई अपनी बाइक को देखते हैं भाई कैसी बाइक है, और उसके कलर वलर देखते हैं, कलर तो मैंने उसको फिलहाल के लिए कुछ बोला नहीं था। ओके गाइस, तो ये खड़ी भाई अपनी निंजा की बाइक, निंजा R2 है शायद ये, मेरे को इसका नाम सॉरी मॉडल नंबर ढंग से पता नहीं है। तो ये वाली बाइक देखो भाई आप लोग कैसी लग रही है, मैं आप लोग को फर्स्ट पर्सन पे दिखाता हूँ। तो भाई ये है देखो कावासाकी निंजा R2 है शायद ये, ओके हाँ R2 है बाइक का नाम, सॉरी बाइक का मॉडल। तो आप लोग यार मेरे को कमेंट करके बताना भाई ये वाली बाइक आप लोग को कैसी लगी, मैंने आप लोग को देखो पूरा एक 360 व्यू मैंने आप लोग को दिखाई दिया। तो भाई अब हम इस बाइक में बैठते हैं और चलते हैं भाई अब हम लोग सीधा उसके Area 51 के अंदर। ओके आवाज़, अरे यार इसका पहले रेडियो बंद करते हैं, तो आवाज़ सुनो भाई पहले इसकी आप लोग। ओ भाई आवाज़ देखो भाई, आवाज़ कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है इसकी। ओके
बहुत खतरनाक आवाज़ है भाई इसकी तो। और माइकल ने देखा हेलमेट देख रहा भाई एकदम मैचिंग मैचिंग हेलमेट पहना है भाई आज तो माइकल ने, और काफ़ी सही लग रही है यार इसके ऊपर ये वाली बैग देख रहा हूँ, मतलब ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग मैचिंग लग रही है बिल्कुल आर्मी वाली। तो भाई अब अपन लोग को जाना है भाई एरिया 51 के अंदर, उसकी स्पीड भी काफ़ी सही है मेरे ख्याल से, इसको हम लोग मॉडिफाई करवाएंगे तो काफ़ी सही चलेगी यार ये। और तो 150 तो यहीं पर क्रॉस हो चुकी है ये, तो अब 160 हो गई। तो भाई अपन लोग चलते हैं अब उसके एरिया 51 के अंदर, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इस साइड में कहीं पर है शायद वो, तो चल कर देखते हैं भाई किस साइड है वो, एग्जैक्ट मेरे को लोकेशन तो पता नहीं बस इस साइड ही कहीं पर है। ओके तो भाई काफ़ी सही चल रही है ये वाली बाइक ने, काफ़ी हल्की लग रही है भाई मेरे को चलाने में, और काफ़ी सही चल रही है, बहुत सही चल रही है भाई वाली बाइक तो। बाकी इसको मॉडिफाई करवाएंगे तो काफ़ी और बढ़िया चलने वाली है यार ये वाली बाइक, मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइक की लग रहा है तारीफ़ कर दी। ठीक है तो अब चलते हैं हम लोग यार एरिया 51 के अंदर की तरफ, और चल कर देखते हैं भाई वो दो एलियंस वहाँ पर हैं कि नहीं है। अगर वहाँ पर वो नहीं मिले ना भाई, कसम से जो उनकी रखवाली करते हैं ना वहाँ पे, उन लोग को भाई तो हम लोग मार के आने वाले हैं यार, कसम से बता रहा हूँ उन लोग को हम लोग मार के आएंगे यार अगर वो लोग वहाँ पर नहीं हुए दो एलियंस जो हैं। बाकी यार मारेंगे तो खैर क्या ही, अपने बंदे ही हैं वो भी यार मिलिट्री वाले, इतना गुस्सा भी यार माइकल के लिए वैसे सही नहीं है। बाकी देखते रहे अगर माइकल का ज़्यादा दिमाग फिर गया ना तो भाई माइकल तो मार कर ही आ जाएगा उन लोगों को। बाकी चलकर देखते हैं, और उन लोग का कोई पता भी नहीं भाई, कभी भी वो लोग हमला कर सकते हैं, इस बार तो उन लोगों ने मिलिट्री बेस में हमला किया, बाकी यार लोग लॉस सेंटोस में भी हमला कर सकते हैं सिटी के अंदर। ओके गाइस तो भाई अपन लोग पहुंच चुके हैं उस एरिया 51 के अंदर की तरफ, सॉरी उसके बाहर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो भाई अपन लोग अपनी बाइक को तो यहाँ कहीं साइड में साइड में तो क्या अंदर ही की तरफ लगा देते हैं, गेट तो ये लोग खोल ही देते हैं। अरे अरे कहाँ टूट गई मेरी बाइक। ओके तो उसका गेट ये रहा उसका गेट, तो अपन लोग चलते हैं भाई अब अंदर की तरफ। और भाई लोगों क्या हाल चाल है तुम्हारे, तुमने उसको भेजा तो नहीं बाहर, मतलब वो लोग अंदर ही हैं कि बाहर हैं। तो अपन लोग अपनी बाइक को यहीं पर लगा देते हैं। और गाइस यार ये है वो वाले बंकर, मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में मैं दिखाना भूल गया था, ये वाले वो बंकर है जो आप लोग को नीचे से दिख रहे थे जहाँ से यार वो एरोप्लेन निकलते हैं, सॉरी हेलीकॉप्टर निकलते हैं। तो वो अब हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। ओके वैसे आप लोग ने पूरे एरिया 51 तो देखा ही है, मैंने आप लोग को दिखाया ही है, तो डायरेक्टली यार हम लोग उसी लोकेशन पर चलते हैं यार। बाकी तो आप लोग ने फिलहाल देख ही रखा है, अगर आप लोग ने नहीं देखा तो यार लास्ट टू लास्ट एपिसोड देख लेना GTA का, ठीक है लास्ट टू लास्ट एपिसोड है वो वाला, तो जाकर देख लेना आप लोग को यार चैनल पर मिल जाएगा। ओके तो हमने देखो उनसे ये वाली कार मांगी थी, ठीक है हमने उनसे बोला था कि भाई ये वाली कार को उन्हें परचेस करना है, क्योंकि मेरे से आप लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि ये वाली कार को यार उनसे परचेस कर लो, तो उनसे हमने बोला है अभी देखो वो कब तक देते हैं। ओके तो हम लोग को नीचे, ओके हमें यहीं से जाना था, ओके रास्ता भी मेरे को फिलहाल अब तो मालूम ही है। तो वो लोग यार हमें कार देने ही वाले हैं अभी, हमें इसके बाद डायरेक्टली मिलिट्री बेस के अंदर ही जाना है, क्योंकि हम लोग उन लोग ने शायद कार वार मंगा कर रख ली है, तो अब गिफ्ट में दे रहे हैं भाई, अब देखते कौन सी बुलेट प्रूफ कार कह रहे हैं वैसे वो लोग, बट देखते भाई कैसी बुलेट प्रूफ कार है वो। ओके तो ये है भाई वो लोकेशन, तो अंदर को चलते हैं भाई अपन लोग, खुल जा भाई खुल जा। ओके गेट खुल चुका है, तो खड़े तो ये लोग ऐसे हैं जैसे पता नहीं एलियंस अंदर ही हैं, लग तो रहा है कि अंदर ही हैं, बट हमें कंफर्म करना पड़ेगा यार, क्योंकि इन लोग का कोई पता थोड़ी भाई, ये लोग तो खड़े। अरे 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 भाई भी माइकल भुन जाता भाई आग में। ओके अरे भाई जल्दी ख़त्म हो जा। ओके तो अब चलते भाई अंदर की तरफ। ओ अरे भाई ओबे यहाँ तो भाई एलियंस ही नहीं है, हद है यार, देख रहे हो मतलब एक भी एलियन नहीं है यहाँ तो, दोनों के दोनों गायब हैं। और ये बाहर ये लोग खड़े तो ऐसे हैं एकदम पता नहीं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे एलियन भर के इन लोगों ने रख रखे हैं। तो भाई ये लोग तो गए मेरे हाथ से, अब तो गए ये लोग भाई, गए ये लोग तो। पहले मैं भाई एक तगड़ा सा वेपन निकालता हूँ, जो मिलिट्री वालों ने मेरे को दिया वही वाला वेपन निकालूंगा मैं। ओके तो एक इन लोगों ने मेरे को स्पेशल गन एक और दी थी, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ यार, रुको एक और स्पेशल गन थी, कहाँ गई। ओके ये थी भाई देखो ये वाली गन, देखो ये आप लोग ने देखी नहीं है शायद, ये मिलिट्री वालों ने मेरे को कल ही गन दी है, देख रहे हो मतलब लेजर वाली गन है भाई ये भी। तो भाई इसी गन से ये लोग मरेंगे, अब मेरे हाथों से मरेंगे ये लोग। अरे यार एक तो ये आग ना, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जल्दी हो, ये लोग तो गए भाई हाथ से गए मेरे, ये लोग अब तो गए ये लोग, माइकल तो नहीं छोड़ने वाला इन लोग को। चलो भाई आग बंद हो चुकी है, क्यों हैं इधर देखो ज़रा। अच्छा अच्छा बेटा मेरे ऊपर गोली चलाओगे मेरे ऊपर, मतलब तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर हैं, कर क्या रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो यहाँ पे ये बताओ ज़रा, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, मतलब खड़े क्यों हो यहाँ पे तुम लोग ये बताओ ज़रा मेरे को, खाली यहाँ पे नज़र रखने के लिए खड़े हो, ये कहाँ गया। ओके ये है वो, हाँ तो फालतू में खड़े हैं भाई ये लोग फालतू में बिल्कुल, और इनके इनके चमचे भी अब मेरे को मारने की कोशिश करेंगे भाई, मैं इनको मारा है तो। ओके देख रहे हो भाई मैं इन लोग को ना छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं अभी पूरा ब्लास्ट कर दूंगा ये एरिया 51। तो भाई अभी अपन लोग को इनसे तो भाई कोई अच्छा बेटा कहाँ से मार रहा है, कहाँ से ले बेटा ले जा तू, अब इसको देखो भाई कहाँ से मारने में लगा भाई, मैं यहाँ से मैं निकल रहा हूँ जल्दी, वरना ये लोग सब लोग मेरे हाथ से मरेंगे यार, देख रहे हो गोली चलाने में लगे हुए हैं भाई,
मैं चाहूँ तो अभी एरिया 51 को पूरा ब्लास्ट कर दूँगा। अभी मेरे पास लॉन्चर वॉन्चर तो खैर काफ़ी सारे पड़े हैं मेरे पे, लेकिन मेरे को अभी लॉन्च वो नहीं करना है इनसे, फाइट वाइट कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को भाई अभी भी चिंता हो रही है भाई पूरे लॉस सेंटोस की। ये देखो मुँह क्या खड़ा ना, ये तो गया। चल बेटा निकल यहाँ से, पिस्टल से जाएगा तू तो। वैसे माइकल ने बुलेट प्रूफ पूरे कपड़े पहन रखे तो उसको कुछ होने वाला तो है नहीं भाई, ये लोग कितना भी कुछ कर लें। अरे यार जल्दी चल ले यार माइकल, तू भी कितना टाइम लगा रहे चलने में। ओके तो भाई अपन लोग बाहर को निकलते हैं और अपन लोग को भाई अब मिलिट्री बेस के अंदर जाने, क्योंकि वो लोग हमें यार बुलेट प्रूफ कार देने वाले हैं। तो चल कर देखते हैं भाई वो हमें कौन सी बुलेट प्रूफ कार देंगे। तो ये लोग तो भाई ऐसे बाहर ही खड़े हो, इन लोग ने भी कुछ ध्यान तो दिया नहीं होगा। वैसे इन लोग की तो फिर क्या गलती है, क्योंकि अंदर वालों ने जब ध्यान नहीं दिया तो भाई ये तो फिर भी बाहर खड़े हैं। तो अपन लोग चलते भाई ये बाहर की तरफ, खुल जा। ओके तो अब हम लोग को जाना है भाई मिलिट्री बेस के अंदर। तो मैं मिलिट्री बेस की तरफ पहले तो मार्क लगा लेता हूँ, इस साइड में अपन लोग को जाना है। ओके तो चलते हैं भाई अब अपन लोग मिलिट्री बेस के अंदर और चल कर देखते हैं भाई उन लोगों ने हमारे लिए कौन सी कार रखी है। यार बुलेट प्रूफ कार कह तो रहे भाई बुलेट प्रूफ कार है, बट देखते हैं भाई कोई फर्जी सी कार ना दे दी हम लोग को जो बुलेट प्रूफ की तरह खाली दिखती हो ना, बुलेट प्रूफ बस दिखती हो उसकी तरह। बाकी हम लोग ने यार निंजा वाली बाइक तो अरे भाई परचेज तो कर ही लिए, तो काफ़ी सही चल रही है वाली बाइक भी। ओके तो जल्दी चलते भाई अपन लोग अब मिलिट्री बेस के अंदर की तरफ। और गई इधर तब तक अगर आप लोग ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि भाई आप लोग वीडियो को लाइक करते हो ना तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल पर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और गई सर आज देखो GTA की वीडियो है और कल यार माइनक्राफ्ट की वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड रहना। और कल वाला जो वीडियो है ना माइनक्राफ्ट का, कसम से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ऐसा वीडियो आप लोग ने यार इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। कल मैंने कुछ नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी है, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके गाइस इधर तो अपन लोग पहुंच चुके हैं भाई मिलिट्री बेस के अंदर की तरफ, बस पहुंचने वाले हैं। ठीक है तो जल्दी चलते भाई अपन लोग अंदर की तरफ और कार देखते हैं। भाई मेरे को ना कार देखनी है भाई कि मिलिट्री वाले हमें कार आखिर दे तो दे कैसी नहीं है। तो इसको तो भाई हम लोग तोड़ कर ही जाएंगे भाई अंदर, अपन लोग को भाई इतना टाइम नहीं भाई इसके लिए, हम लोग रुके हैं ये परमिशन ले फिर गेट खोले एटरम शटरम जो भी है। और मिलिट्री वाले देखो आज तो बिल्कुल राउंड पे चल रहे हैं भाई, वैसे नहीं दिखेंगे यहाँ पे ये लोग। आज देखो भाई आज राउंड पे हैं सारे के सारे, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि एलियन का हमला कभी भी हो सकता है हमारे ऊपर। ये देखो भाई पूरा राउंड लगा रहे हैं भाई मिलिट्री बेस के अंदर। ओके तो अपनी कार आगे की साइड खड़ी है, मेरे को उसने लोकेशन तो बता दी थी यार जो कर्नल है। तो कर्नल जो है ना, कर्नल आप लोग सोचो भाई मैंने अभी तक आप लोग से कर्नल को नहीं मिलाया, तो कर्नल से भी यार मैं आप लोग को मिला दूंगा। ठीक है तो थोड़ा सा वेट करो यार भाई, कर्नल से ना मैं मिला दूंगा आप लोगों को। तो अपनी कार मेरे ख्याल से ओके वो खड़ी है, देखो भाई अपनी कार। तो उन लोग ने देखो वहाँ पे तीन कार्स को खड़ी करा है, तो उसने मेरे को फ़ोन पे तो बता दिया था कि भाई वहाँ पे मैंने तीन कार्स को खड़ा करा है, तो उन तीनों में से तुम कोई भी लेकर चले जाना। तो पहले तो भाई अपन लोग अपनी बाइक को ना अच्छे से पार्किंग पे खड़ी कर आते हैं, इस साइड में हम लोग लगा देते हैं अपनी बाइक को। और अपनी बाइक अगर यहाँ से चोरी वोरी हुई ना या गायब हुई तो भाई मिलिट्री वाले उसके पैसे देंगे यार भाई, मिलिट्री वाले मेरे को गाड़ी ला कर देंगे वापस। ओके तो हेलमेट तो उतार दे भाई, हेलमेट पहन कर ही जाएगा क्या गाड़ी के अंदर। चल भाई उतार। ओके हेलमेट फेंक दिया भाई माइकल ने हमेशा की तरह, भाई हेलमेट की तो माइकल के पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो इन तीनों में से भाई मेरे को ना सबसे बेस्ट तो ओके जी येलो वाली, तो भाई मेरे को बुलेट प्रूफ तो कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रही है, बस खाली शीशे वीशे बंद है उसके, बट बुलेट प्रूफ नहीं है। और इन ये दोनों लग रही है भाई बुलेट प्रूफ कार, तो मेरे को इन दोनों में से ना ये ग्रीन वाली जो है ना, ग्रीन वाली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है यार, क्योंकि ये वाली देखो काफ़ी हैवी लग रही है भाई कार। ऐसा लग रहा है ना कि इससे अगर किसी की टक्कर होगी ना भाई, सीधा टक्कर होते वो वाली सामने वाली कार तो भाई उड़ के गिर जाएगी। और इसके ऊपर देखो एक मशीन गन भी लगी है, तो ये वाली कार मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो ये वाली कार हम लोग लेकर चलते हैं यार फटाफट से अब, क्योंकि ये वाली कार हम लोग को भाई पसंद आ रही है। इसको हम लोग लेकर चलते हैं सिटी में यार पेट्रोलिंग करते हैं ज़रा। अरे यार रुक जा। ओके सिटी में भाई पेट्रोलिंग करते हैं। और गई जर मैं आप लोग को बता दूं कि ना ट्रेवर और फ्रैंकलिन भी हमारे साथ आने वाले हैं दोनों जने, तो वो दोनों को यार मैंने बुला लिया है। तो वो लोग यार बस आने वाले को, वो लोग ना मिलिट्री बेस के बाहर की साइड ही कहीं पर खड़े होंगे, क्योंकि भाई ट्रेवर के भाई मिलिट्री बेस के अंदर तो भाई एंट्री है नहीं। वैसे अब तो खैर आ ही जाएगा ट्रेवर, बट फिर भी यार ट्रेवर ऐसे आया नहीं घर के अंदर। और ये बुलेट भी चलती है, आप लोग को चला कर दिखाऊं। ये देखो भाई आवाज़ आई आप लोग को, ये देखो बुलेट्स भी चलती है इसके ऊपर और अनलिमिटेड बुलेट्स है भाई इसके अंदर, कितनी भी चलाओ भाई कितनी भी चलाओ तुम। तो इसको हम लोग लेकर चलते हैं बाहर की तरफ और स्पीड भी काफ़ी सही चल रही है वाली कार और काफ़ी हैवी लग रही है भाई ये वाली कार। तो बाहर की तरफ से हम लोग फ्रैंकलिन और ट्रेवर को भी वहाँ से रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऐसी सिटी में थोड़ी सी पेट्रोलिंग करेंगे यार, क्योंकि देखो भाई उनका ना हमला कभी भी हो सकता है यार लॉस सेंटोस में। तो थोड़ी सी ऐसी पेट्रोलिंग करेंगे, तो मैं उनको एक बार कॉल कर लेता हूँ भाई। मैं ना फ्रैंकलिन को कॉल करके पूछता हूँ, क्योंकि ट्रेवर तो भाई खाली में लड़ता रहता है मेरे से। तो मैं फ्रैंकलिन को कॉल करता हूँ, उससे पूछता हूँ भाई तुम लोग कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि दोनों साथ में ही हैं।
ओके गाइस, तो मेरी देखो उन दोनों से बात हो चुकी है और बोलेगा देखो उस साइड में खड़े हैं, मतलब जो आप लोग को वहाँ से हाईवे दिख रहा है तो वो लोग हाईवे के पास खड़े हैं। तो उन दोनों को मैं जल्दी से जाकर रिसीव कर लेता हूँ, उसके बाद भाई पेट्रोलिंग करना स्टार्ट करते यार अपन लोग। ओके तो कहाँ पर हैं वो लोग, मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहे। ओके भाई वो खड़े हैं देखो दोनों बंदे। ओहो ड्राइवर को देखो भाई, अपने फेवरेट कपड़े पहन के आया वो। तो आ जाओ भाई लॉन्डो, बैठ जाओ बैठ। अरे अरे भाई डरो मत, बैठो जल्दी बैठो भाई। ओके तो ट्रेवर तो आकर बैठ चुका है, फ्रैंकलिन भी आकर बैठ रहा है। ओहो ट्रेवर तो भाई ऊपर चढ़ गया सीधा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसे ही बैठ रहे भाई। ट्रेवर को वैसे ही शौक है फाइट वाइट करने का लोगों से। तो अब हम लोग चलते हैं सिटी की तरफ, तो मैं लोकेशन पे मार्क लगा लेता हूँ। तो सिटी की तरफ वो लोग आने वाले हैं यार, एलियन लोग, शायद हमला उनका होने वाला है ऐसा यार। हम लोग को मिलिट्री वाले बोल रहे हैं। अब देखो यार वो लोग लॉस सैंटोस में कहाँ पर हमला करते हैं, सिटी में मतलब कौन से एरिया में हमला करते हैं। माइकल के घर पे ना हमला कर दे, हम लोग माइकल के घर पे हमला करते तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी यार। तो क्योंकि भाई माइकल को फिर मजबूरी में अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाना ही पड़ेगा यार। तो चल कर देखते हैं भाई सिटी में क्या सीन चल रहा है यार। ओके गाइस भाई देख रहे हो, मतलब सिटी के अंदर ही भाई एलियंस लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देख रहे हो ये एक एलियन उड़ गया यहाँ पे। अरे भाई 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 ये वाली कार नहीं होती ना भाई, अभी कसम से भाई हम लोग उड़ चुके होते कसम से हवा में। ओके भाई एलियंस कहाँ हैं एलियंस। ओके ये कहाँ कहाँ से मार रहे हैं यार मेरे को। अबे भाई देख रहे हो, मतलब सिटी के बीचों बीच उन लोगों ने हम। अरे 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 भाई भाई, अबे यार ये एक तो आर्मी वाले ना, पता नहीं आर्मी वालों का अलग ही सीन चल रखा है। वो देखो सामने देखो एलियन। इसको मैं अरे यार एक तो गन भी नहीं चल रही। चल निकल बेटा निकल। अबे यार मेरे को लग रहा है उतरना ही पड़ेगा गाड़ी से। अबे यार एलियन कहाँ है, तो मैं भाई गाड़ी से उतर जाता सबसे पहले। तो भाई गन निकालो गन, अपन लोग भाई अपनी स्पेशल वाली गन निकालते हैं। अबे यार कहाँ गई। अबे यार ओके तो ये है भाई वाली गन, और ये लोग भी देखो शुरू हो चुके हैं। कहाँ है भाई, अरे यार ये मिलिट्री वाला है। ओके एलियन कहाँ है, एलियन। ओके ये देखो भाई एलियन को। ओके यार एक तो ये लोग ने सिटी के बीचों बीच हमला करके ना बड़ा दिक्कत वाली बात करी। देख रहे हो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये लोग माइकल को ही उड़ा के ना चले जाए भाई, कि लोग तो भाई बोरा जाते हैं बिल्कुल ही, पागल हो जाते हैं बिल्कुल ही। ओके भाई एलियन है का, मेरे को तो दिख भी नहीं रहे हैं कहाँ चले जा रहे हैं, पता नहीं एलियंस लोग। ओके ये देखो भाई पार्टी में आए ना तुम लोग, पार्टी में आए हो तुम लोग। तो निकल बेटा निकल, पार्टी में आए हो ना तुम लोग, तो यहाँ पे है ना पार्टी चल रही है यहाँ पे, तो कोई मजे में टहल रहे हैं भाई ये लोग तो। हाँ बेटा पार्टी में चल रही है ना, पार्टी चल रही है भाई यहाँ पे। गायब हो तू, ये देखो भाई गायब हो जा रहे हैं भाई ये लोग सीधा मरते ही। पता नहीं मर भी रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं ये लोग, मेरे को तो नहीं पता भाई मर रहे हैं, लगता तो नहीं मेरे को कि इतने सारे आ जाते हैं ना ये लोग। भाई साहब देख रहे हो मतलब मर ही नहीं रहे हैं भाई मर। अरे अबे यार मर जा, हद है यार मर ही नहीं रहे। ये देखो ये गोली मारेगा बेटा मेरे को, गोली मारेगा तू हैं, गोली मारेगा। कहाँ है अरे भाई 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 तुमको क्या हो गया, गोली। अरे यार भाई इनको भी लग रहा है गोली लग चुकी है खतरनाक तरीके से। वो देखो भाई एलियन को, भाई छोड़ना नहीं एलियन को। कहाँ है एलियन का, ये देखो फायर ब्रिगेड वाले पहली बार भाई सही टाइम पर आए हैं। और देखो टहल रहा है भाई मजे से, टहल रहा है लोगों को मारने के लिए। और कहाँ है भाई, वो देखो भाई उधर देखो कहाँ, अबे लेट के मार रहा है वो। वो देखो कहाँ स्पॉन हो रहे हैं लोग। देखो भाई टैंकर उड़ा रहे हैं लोग, टैंकर एक उस साइड का। अरे यार वो मिलिट्री वाले को मार दिया उन लोगों ने। अरे यार मिलिट्री वाले को कितना मार रहे हैं लोग। कहाँ है। ओके अबे देख रहे हो भाई, मतलब सिटी के लोगों को देख रहे हो भाई एकदम बोरा जा रहे हैं बिल्कुल। मतलब हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम उड़ा के जाओगे हमें। हद हो गई यार कसम से, हद हो गई है। वो देखो चल बेटा निकल, तेरा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और कहाँ है, और वो देखो इसको देखो भाई इसको। ओके अबे यार एक तो इतनी जगह से गोली। अबे भाई माइकल यार कार तो देख ले, कार में घुसा जा रहा है। ओके भाई ये देखो सामने से, देखो इस लौंडे को देखो। चल बेटा निकल भाई, कहाँ से गोलियाँ पड़ रही हैं मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। वो तो अच्छा हो भाई माइकल ने अच्छी वाली बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है यार। ओके गाइस तो यार देखो ये एक एलियन है जो हमसे यार दूर भाग रहा है यार बहुत ही। तो इसका मेरे को भाई पीछा करके इसको पकड़ना है यार कैसे भी करके। मैं एक मिनट स्टेन गन निकालता हूँ अपनी, स्टेन गन से शायद ये बेहोश हो जाए भाई। देख रहे हो मतलब अबे रूप बदल रहा है तो अपना। अबे ये कैसा एलियन है,
अबे भाई देख रहे हो, मतलब रूप बदल रहा है ये तो अपना। तो भाई इसको मेरे को किडनैप करना है यार जल्दी जल्दी से। तो मैं इसका पीछा करता हूँ यार, स्टेन गन से मारता हूँ इसको। गिर गिर, अबे गिर भी नहीं रहा ये तो भाई। ये हमें ना जिंदा या मुर्दा हमें कैसा भी मिल जाए भाई, इस पर हमें एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि लेस्टर ने बोला था कोई एलियन अगर जिंदा बच जाए, क्योंकि ये लोग देखो गायब हो जा रहे थे। तो ये मेरे को लग नहीं रहा भाई कि ये गायब होगा, क्योंकि ऐसे भाग रहा है भाई ये। देखो एक और दूसरा एलियन आ गया, दूसरा। अबे यार वो वाला ना चले जा, मेरे को उसको पीछा करना। अबे 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 अबे, मतलब हमने तेरे को छोड़ के दिया, तू तो हमें हमारे ऊपर ही गोली चला रहा है। अच्छा बेटा, अबे यार मेरे को लग रहा है हैवी वेपन निकालना पड़ेगा। निकल निकल, तू भी निकल, तू भी निकल। ओके गाइस, इधर तो देखो एलियंस तो यहाँ से सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। उनका जो यूएफओ था ना भाई, जो ऊपर आसमान में उड़ रहा था, वो तो देखो यहाँ से गायब हो चुका है। और ये वाला जो एलियन मैं आप लोगों को दिखा रहा था ना भाई, ये हमारी पकड़ में आ चुका है। ये वहाँ से मतलब घूमते घूमते इस साइड आ गया, मतलब देख रहे हो खुद ही मौत के मुँह में आ गया ये बंदा कह रहा हूँ, सॉरी एलियन। तो ये हम लोग ने देखो इसको मार दिया, क्योंकि भाई ये ज़्यादा ही कुछ उड़ रहा था हवा में, तो हमने इसको मार दिया। ठीक है, अभी देख रहे हो मतलब पूरी मुंडी इसकी हमने ज़मीन में घुसा रखी है। तो इसको यार हम लोग अब लेकर जाने वाले इस कार में, तो फ्रैंकलिन और ट्रेवर इस कार में इन लोग को इसको बैठा देंगे। और इसके बाद यार हम लोग देखो सीधा लेस्टर के पास जाएंगे, शाम भी हो चुकी है। तो अब हम लोग चलते हैं भाई सीधा लेस्टर के पास। तो ये लोग अगर कार में बैठा देंगे तो मैं पहले बैठ जाता हूँ सबसे पहले। तो चलो भाई ट्रेवर बैठा देगा उसको कार में। ओके गाइस, ट्रेवर ने देखो उसकी लाश को हमारे इस कार में रख दिया पीछे की तरफ। ठीक है, आप लोग जैसे कि आगे से देख सकते हो भाई गायब हो चुका है वो। तो अब हमें जाना है भाई लेस्टर के पास। तो हम लोग देखो लेस्टर के पास तो चले जाएंगे, और इस पे देखो लेस्टर ना एक्सपेरिमेंट करेगा। उसके ना कुछ दोस्त लोग हैं जो साइंटिस्ट हैं। अब देखो लेस्टर है हैकर, और उसके दोस्त लोग हैं भाई साइंटिस्ट हैं जो, तो वो यार देखो इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बारे में ना जानेंगे भाई कि इनके अंदर ऐसा है क्या भाई, जो ये लोग एकदम से गायब हो जा रहे हैं, और मतलब इतनी पावर है कैसे इनके अंदर। तो वो चीज़ पे ये लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले, और आने वाले वीडियोज़ ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। अबे यार मैंने कहाँ ठोक दी, वैसे तो भाई बुलेट प्रूफ कार है तो उसको कुछ होना नहीं। और ये लॉस सैंटोस के लोग ना कसम से बड़े पागल हैं यार भाई, ऐसा हमला चल रहा है तभी भगदड़ मचा दे रहे हैं यार बिल्कुल ये लोग। ये देखो हल्की सी गोली चली नहीं कि भाई भगदड़ मचा देनी इन लोग को सीधा। तो भाई मैं इस लाश को लेस्टर के पास छोड़कर आ जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो को ना यार हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को यार वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यार अगर चैनल पर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और कहीं सर आने वाले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। डायरेक्टली बाय, अरे यार डायरेक्टर।